हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, ये आज ये वीडियो हम बनाने वाले हैं कि जो मोबाइल का सील रहता है उसको कैसे रिमूव करते हैं गन से। तो जो लोग ये जानते हैं वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, और अदरवाइज़ जिन लोगों को पता नहीं है वो वीडियो कंटिन्यू करें। देखिए, पहले तो क्या है कि हमें सील्ड के चारों ओर ये फ्लक्स लगा देना है। आप जो भी यूज़ करते हो फ्लक्स वो भी लगा देना है, ताकि उससे क्या होगा कि शोल्डर मेल्ट जल्दी होगा, जो शील्ड और बोर्ड के साथ जो चिपका हुआ है शोल्डर वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो हमारा शील्ड जल्दी से निकल जाएगा। और दोस्तों, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अभी मेरे जो मैं गन यूज़ करता हूँ वो 857 DW+ है, उसका हीट मैंने रखा है 350 और एयर है 2.5 से 3 के आसपास। इस तरह का एक ब्लेड आता है मार्केट में, वो आपको परचेस कर लेना है। और देखिए, यहाँ पे आपको कोई ऐसा एक कोना ढूंढ लेना है जहाँ से आप इसे फंसा के थोड़ा बेंड करें ना, तो जो शील्ड आपको निकलना है वो निकले ऐसा आराम से। देखिए, हिट सिंस ये जो है वो निकाल देनी है सील ऊपर, वरना पतरा गर्म होने में टाइम लगेगा। देखिए, इस तरह आपको हिट लगानी है चारों ओर, गन को ऐसे कंटिन्यू मूव कराते रहना है, कहीं स्टॉप नहीं करना है, वरना आजू बाजू के जो सॉकेट वगैरह जो है कैमरा के वो जल सकते हैं। गन को आप कंटिन्यू ऐसे मूव कराते रहेंगे तो कितना भी टाइम आप गन को चला लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पार्ट चलेगा नहीं। देखिए, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। कभी कभार कोई कोई बोर्ड में ऐसा होता है कि थोड़ा उसका हार्ड रहता है शोल्डर, तो कभी टाइम लग जाता है। इसमें और भी एक ट्रिक रहती है, जो कि पहले आपको पहले शोल्डर लगा देना है, शोल्डर वायर जो रहता है उससे आप चारों ओर शोल्डर आयरन से पहले शोल्डर लगा के उसका जो टेम्परेचर है वो ट्रांसफर चेंज कर सकते हैं। कंपनी का टेम्परेचर 220 के आसपास रहता है, और हमारा जो शोल्डर वायर रहता है उसका टेम्परेचर रहता है 180 के आसपास, तो कन्वर्ट हो जाएगा तो जल्दी निकल जाएगा। देखिए, फिलहाल हम निकाल रहे इसको। इस तरह आपको गन को मूव कराते रहना है और ब्लेड को थोड़ा टेढ़ा करते रहना ऐसे, ताकि हमारा शील्ड जल्दी से निकले। देखिए, हमारा शील्ड निकल रहा है। अभी थोड़ा यहाँ से उठाएंगे। देखिए, साइड में जो भी सॉकेट है कनेक्टर है वो जल नहीं रहे, क्योंकि गन को मैं कंटिन्यू मूव कराता रहता हूँ, ऐसे हिलाता रहता हूँ साइड साइड में। देखिए, शील्ड निकल गया। वैसे कटर से भी निकाल सकते डायरेक्ट, पर उसमें क्या है कि ट्रैक वगैरह निकलने का रिस्क है थोड़ा। देखिए किस तरह इजीली निकल गया और एकदम बढ़िया से निकल गया है। तो दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।